मित्रों, अज तुहाडे नाल एक गल बहुत जरूरी है करनी। एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल तुहाडे नाल दो गल्लां सांझियां करन लगा। डिजिटल अरेस्ट, इंडिया ऑन टेस्ट। ये डिजिटल अरेस्ट की है तुहानूं मोदी जी ने मन की बात विच कोई सही गल नहीं दसी, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जो खबरों में आ रहा है, जो हिसाब किताब में आ रहा है, जो किसी ख्वाब में आ रहा है, भावें वह देश का ख्वाब है तो भावें वह इस सरकार का ख्वाब है, उसके उत्ते मोदी जी ने गल नहीं की। क्यों नहीं की? हुण डिजिटल अरेस्ट हैगी है, रोज़ तुसीं देखदे हो कि साइबर क्राइम हो गया, उन्हों डिजिटल अरेस्ट का नाम दे दिता गया। कि मोदी जी का यही डिजिटल इंडिया? ये तुसीं सोचो तुहाडे नाल की होने वाला है या की हो रहा है, तुहाडियां जेबां ते लुट खसुट ते डाके किवें ते किस तरह पै रहे हैं, ते ईडी, इनकम टैक्स, NIA ते CBI, ये चार मोदी दे तोते ते बन गए जे पूरे थोथे, क्योंकि तुहाडा बचा ही नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? जेड़ा डिजिटल अरेस्ट हुंदा है वो ट्रांजैक्शन किधर रही जाती है? बैंकां रही जाती है ना, बैंकां ही चो पैसा ड्रेन हुंदा है, बैंक अकाउंट्स विचो पैसा ड्रेन हुंदा है, तो उन्हों साड़ी सरकार जी ट्रैक क्यों नहीं कर रही? उसनों अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? तो देश के लोगों के हक हलाल की कमाई जी उड़ाई जा रही है डिजिटल अरेस्ट के नाम थले, जिन्हों मोदी जी ने नाम दिता डिजिटल अरेस्ट का, वो उत्ते क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये चार एजेंसियां देश दियां कित्थे ने? ये सिर्फ इन्होंने अरेस्ट करना तो करना सिर्फ अपने पोलीटिकल ओपोनेंट्स को? इस गल का जवाब कौन देगा? देश मंगता है जवाब। तुसीं दिओ जरा मोदी जी जनाब इस चीज़ का हिसाब किताब। तुहाडे कोल डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, तुहाडा KYC का डाटा जिहड़ा चोरी हो गया, देश के लोगों की जी गलबात उड़ गई, वो डिजिटल अरेस्ट जिहड़ा मन की बात चाहन तो पहले वो सारिया गल्लां हो रही, तो उहदे उत्ते नत क्यों नहीं पाई? तो ये किहो जिही कपत पाईए देश के लोगों वास्ते, ये किसी ने दसन का यतन नहीं किया। तो एक गल होर भी तुहानूं दस्सदां, बैंकों विच्चों पैसा जांदा है, बैंक ट्रेस क्यों नहीं कर सकते कि पैसा किहदे अकाउंट च गया, तो आइडेंटीफाई क्यों नहीं कर सकियां साडियां देश दियां क्राइम एजेंसियां? ये मोदी जी ने यह नहीं दसन का यतन किया। जे दसन का यतन किया तो फीडबैक दे के ये गल जरूर मेरे नाल, इस चैनल नाल, इस चैनल दे श्रोतागण वेखन वाले नाल गल सांझी करो। बड़े सज्जन देखते ने मेरे इस यूट्यूब चैनल नू, सबसक्राइब भी कर दिओ, मेरा मान सम्मान वधा दिया करो, तो शेयर करके एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल नू अगे तो अगे देश के लोगों विच देश की जानकारी ला दिया करो। हुण एक गल होर सोच लो, ये सन क्राइम एजेंसियां जिहड़ियां डिजिटल अरेस्ट नू नत्थ नहीं पा सकियां, तो मोदी जी ने ये उत्ते कोई ज्ञान विज्ञान या व्याख्यान नहीं दिता, क्योंकि जो उन्होंने थिंक टैंक ने लिख के दे दिता है वही लिख के दे दिता है, क्योंकि मोदी जी को इन्ना टाइम नहीं, 18 घंटे बेचारे काम करते ने, देश विदेश की यात्रा करते ने, वो यही कि दुनिया के सब तो वड्डे जिहड़े हैं हवाई यात्री बने ने, यह उन्होंने नाम गिनीज बुक दे विच रिकॉर्ड आने वाला है। हुण तुसीं देखो 8 नवंबर याद आ रही है तुहानूं की होया सी तुहाडे नाल? मित्रों, अज तो 500 ते 1000 का जिहड़ा नोट है वह माननीय नहीं होएगा। रात को 8 बजे देश के उत्ते बंब फुटिया सी, ते इस मित्र ने यह तो दस्सिया नहीं कि देश में यदा फायदा की होया,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ 15 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ 2.25 ਅਖੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਥਮੀਆਂ ਬਥਮੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ TRP ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਗਵਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨਰੇਟਿਵ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ JC ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 5-6 ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, JC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, DD ਮੀਨਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ TV ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ TV 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦਾਦੂ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖੁਆਬ ਦਵਾਇਆ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ BJP ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ BJP ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਜਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 2 ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਸ਼ੀਦੇ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਨਾਈ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪ ਬਨਵਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ,
मैं राम जी दे नाल जावांगी ते ओ राम जी दे नाल जान बनवास ते जान नू तैयार हो गई। ये उसकी एक जिहड़ी सीगी ये एक भावना सी सत्कार दी अपने प्रति अपने पति प्रति अपने सहुरा साहब का जिहड़ा हुक्म सी उहने उहनू उलंभा नहीं दिता, मतरेई मां नू उलंभा नहीं दिता। अगे सुन लो, धर्म वध्या सत्कार दा ते लक्ष्मण जी नू भी बनवास नहीं सी होया, वह भी नाल गए। जो सी दंत कथावां ही सुनते आए हाँ शुरू तो लग के आई तक वो गल कर रहा तुहाडे नाल। ये सत्कार सी, ये सत्कार दे विच अगे देखो रावण दी सिस्टर सरूप नखा बारे कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने उहदा नक् कट दिता सी, नक् कटिया नहीं सी गया। उन्होंने जिहड़ा उनकी विआह की प्रपोजल जिहड़ी सी रद्द कीती सी, लक्ष्मण जी निर्दयी नहीं सी जिवें उन्हां नूं पेश कीता जांदा। ते जे किसे दी धी भैन दी इस तरह दी इज्जत जिहड़ी है नहीं हो सकी ते रावण नूं ते गुस्सा आएगा। भरा सीगा उहनूं गुस्सा आया। सीता जी दा जिहड़ा कहा जांदा है हरण कर लिया उहने भेस बदल के, जां जो भी है जिस तरह भी साखी चलदी है। ते सीता जी पति उन्हें तिरस्कार नहीं किया, इज्जत मान नाल उन्हां नूं रख्या। वक्त दा राजा सी, चार वेदां दा ज्ञाता सी, चार वेदां प्रति उहदी संवेदना सी, सत्कार सी। उस सत्कार दे विच्चों उसने विमेन एम्पावरमेंट दा सत्कार किवें करना है। तो मोदी जी तुसी अपनी विमेन एम्पावरमेंट्स दा तिरस्कार किवें करते हो, ये जरा साझा जरूर करो। मन की बात किवें ते किस हिसाब नाल तुसी करते हो, अंध भगतां नूं भी ये नज़र नहीं आता। और कई जगह पर निराशाजनक आलम यह होंदा कि बीजेपी के मंत्री संतरी ते उहनां दे बच्चे इस दलदल दे विच विमेन एम्पावरमेंट विमेन सत्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे विच किवें ते किस तरह कुदते ने, ते मोदी जी थोड़ियां धज्जियां उड़ा देंदे ने। इस दे उत्ते भी गल करो ना कि ए विमेन एम्पावरमेंट इदां दी रहेगी। 2014 तो लग के 24 आ गया, 11वां साल चलता पिया है, ते 11 सालों दे विच स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी। तुहाडी बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ दा जिहड़ा कम सीगा हरियाणा दे विचों शुरू होया सी ते जिस एरिए विचों शुरू होया सी उत्थे ही कुछ देर बाद कुछ महीनों बाद मूरथल गैंगरेप, प्रसिद्ध गैंगरेप देश का हो गया। ते अज तक पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच ये चलता रहा है। और इस खिचोतान दे विच जिहड़े राजनीतिक नेता ने जिहड़ी इस खिचोतान दे विच जुडिशियल कशमकश हुई, जिहड़ी इस दे विच सिस्टम दी ते पुलिस दी कशमकश देखण नूं मिली, वो एक अपने आप दे विच एग्जाम्पल है। मोदी जी दी $5 ट्रिलियन इकोनमी जिहड़ी है कि इस दे विच योगदान है, सहयोगदान है या पर योगदान है। ये देश दे वासियो अंध भगतो तुसीं देखना। ते जे तुसी अपनी सरकार नूं अपनी दिल दी गल नहीं कह सकते ते वो तुहाडी सरकार खादी है क्यों ते किस वजह करके नहीं, ये जिहड़ी मैं गल कीती है तुहाडे नाल इसलिए कीती है कि इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री देश दीआं चार एजेंसियां जिहड़ियां डिजिटल इंडिया नूं अरैसट नहीं कर सकियां, डिजिटल ने अरैसट कर लिया है इंडिया नूं। एक सब तो वड्डा निराशाजनक आलम उघड़ के सामने आ रहा है। अज गल्लां इन्नियां कु दे नाल करदा सति श्री अकाल। एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल की इस पेट नूं वत्त वत्त शेयर कर देना, सबसक्राइब कर देना बिना वैद विरोध भावना दे। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, मैं मंगा अपने देश पंजाब की खैर दे हित विच पा दित्ती है। ते अपनी कही हुई गल एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल सलाहकार भी
देश का, देश की सरकार का, ते इतलाहकार भी देश की सरकार का ते देश के लोगों लिए।